नमस्ते, मैं अमोल गजानन कीर्तिकर, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे इस पार्टी की तरफ से और इंडिया अलायंस की तरफ से। महाराष्ट्र में हम इसे महाविकास आघाड़ी बोलते हैं। इस उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा जो चुनाव चिन्ह है मशाल, 20 मई को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्र पर जाके 1 नंबर का बटन दबा के मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको मैं करने के लिए आया हूँ। जो भी आपका अधिकार मुझे प्राप्त होगा आपके मतों के माध्यम से, उस अधिकार का पूरा पूर्व वापर मैं आपके लिए ही करूँगा, यही आश्वासन इस माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पे विकास करने के लिए बहुत से ऑप्शंस मेरे पास खुले हैं। मेरे ख्याल से लोगों को कुछ भी इलेक्शन हो जाए, लेकिन लोगों का प्रॉब्लम वाटर मीटर गटर से ही चालू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वाटर मीटर गटर से गली से दिल्ली तक के प्रॉब्लम सॉल्व करने के मैं कोशिश करूंगा। मेरे इसमें फॉरेस्ट का एरिया आता है, मेरे इसमें आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली गुफाएं आती है, मेरे यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट लैंड से उसके रिस्ट्रिक्शन के वजह से रिडेवलपमेंट अटकी पड़ी है, ये प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ पे जो भी ट्रैफिक की समस्या है वो एक प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ पे मेरे ख्याल से एक बड़ा सी शोर है, जू किनार पट्टी, उसका डेवलपमेंट होना है। उसके बाद में मेरे यहाँ पे जो कोलीवाड़े और वो कोली लोगों की समस्या है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। इसके बावजूद मेरे यहाँ पे रीडेवलपमेंट्स और एसआर डेवलपमेंट, ये जो है, ये छोटे छोटे पॉइंट की वजह से बहुत सालों से ये अटके पड़े हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिखता है कि कोई ना कोई आदमी वहाँ पे इंटरवीन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सालों से ये लोग अपने अपने घर से बाहर बेघर होके रह रहे, और उनको जो 5-6 हज़ार 10 हज़ार जो रेंट है वो भी देने के लिए उनको जमता नहीं, क्योंकि उनको दिक्कत आती है। तो रीडेवलपमेंट की बातें आती है तो लोगों का ऐसा लगता है कि ये डेवलपर के लिए काम कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं डेवलपर के लिए बिल्कुल नहीं काम कर रहा। मैं उस घर में रहने वाले हर आदमी के लिए काम कर रहा हूँ कि जिसने मुंबई में आके क्या कमाया तो अपना घर कमाया, वो हक का घर उनको देने के लिए मैं काम करने वाला हूँ। और इसके बावजूद आप सब लोग के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम्स मेरे पास आएगी, जो भी विकास करने की अपेक्षा आप मेरे से रखेंगे, वो सब प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और वो सब विकास काम करने की मैं कोशिश करूंगा। आपने वापिस एक बार आपको मैं अपील करता हूँ कि इस बार संविधान बचाने के लिए और इस देश को हुकुमशाही की तरफ जा रहा देश को वापिस लोकशाही की तरफ लाने के लिए आप सबको अपना अपना वोट देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।